वडोदरा जिल्लाना करजण तालुकाना देताण गामनी माध्यमिक शाळा खाते 10 बेडनी सुविधावाळी कोविड केर सेंटर कार्यरत करायुं। देशमां तेमज राज्योमां कोरोना महामारीए हाहाकार मचाव्यो छे, जेमां करजण तालुको पण बकात रह्यो नथी। त्यारे देताण माध्यमिक शाळा खाते गामना लोकोने प्राथमिक सारवार मळी रहे अने जे घरोमां कोरोना पॉजिटिव केस आव्यो होय तेना परिवारना लोको संक्रमित ना थाय अने तेना परिवारने क्वॉरंटाइन करी शकाय ते माटे शाळा खाते बनावेल 10 बेडनी सुविधा धरावती कोविड केर सेंटरनो रविवारना रोज प्रारंभ करवामां आव्यो हतो। कोविड केर सेंटरमां टीबप तथा नर्सिंग स्टाफ साथे दवानी व्यवस्था करवामां आवी छे तथा क्वॉरंटाइन थयेल लोकोनी जमवानी व्यवस्था पण करवामां आवी छे। आ प्रसंगे जिला पंचायतना सदस्य मुबारक पटेल, कोंगी अग्रणियों किरीटसिंह जडेजा, भास्कर भट्ट, नीलाबेन उपाध्याय, अभिषेक उपाध्याय, तालुका पंचायतना सदस्यो मीत पटेल, हितेश गोहिल, ग्राम पंचायतना सरपंच, तलाटी सदस्यो तेमज आगेवानो उपस्थित रह्या हता। ब्यो रिपोर्ट करजण। छेल्ला एक वर्ष उपरांत समय थी कोरोना की महामारी में घना परिवार मारा है ये विखराई गया है, कारण के कुटुंब में एक थी वधु सभ्यों ने कोरोना भड़की गयो है। एवं समय सरकार तरफ थी जे सुविधाओं मिलवी जोईए, ऑक्सिजन से, वेंटिलेटर से, इंजेक्शन से, दवाओ है, ये कोई सुविधाओं सरकार तरफ से मिलती नहीं। तो डेठा गामना ग्रामजनों, सरपंच, डेप्युटी सरपंचश्री और गामना आगेवानोए एक विचार करो कि भाई अपना गाम में कोविड सेंटर अपने स्टार्टिंग चालू करिए, जेना आइसोलेशन सेंटर पर अमे करिए तो बीजा घर घर ना घर हो, बीजा रूम ना हो, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था ना हो घर में, तो एवं समय आ आइसोलेशन जो है ये घणुं मददरूप थशे। अने आशा राखीए छे अमे कि भाई सरकार तरफ थी पण आ गामने मददरूप मळे, अने कोंग्रेस परिवार जे छे अमारो करजण तालुकानो ये बधा अमे नक्की कर्युं छे कि भाई आ सेंटर में जे जरूरियात ऊभी थाय गमे त्यारे तो अमे हर हमेशा गामने आपवा माटे तैयार छे। पर आशा राखीए कि भाई गाम में ओछा ओछा केसो थाय, सोशल डिस्टन्स राखे अने जे कंई तकेदारी राखवानी छे ए आपणे जो राखीशुं तो सौथी ओछा केसो थशे। आपणे आ जे कोविड केर सेंटर छे एने आपणे वधारे चलावुं नथी, आपणे માત્ર આપણે આપણી સુવિધા માટે ઊભું કર્યું છે કે ગામમાં આ રોગ વધારે ફેલાય નહીં, એટલે આ જે સેન્ટરમાં ગામજનોએ આરોગ્ય જેવી બહેનો છે, નર્સબેન છે, એમને જે કંઈક સાથ સહકાર આપ્યો છે એમનો પણ અમે આ તબક્કે આભાર માનીએ છીએ। અને આ ગામ જે છે એ ગામ મારું ટટક ગામ છે, અને એ ગામમાં જ્યારે જ્યારે પણ જરૂર પડશે ત્યારે હું હંમેશા રાતે 2 વાગે કહેશો તો હું આ ગામમાં આવી ને ઊભો રહેવા માટે તૈયાર છું।